हेलो दोस्तों, क्या हाल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज रेंज कैसे इम्प्रूव करना अपन। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने पास कम से कम 60 FPS का डिवाइस रहना जिसमें फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होना, और वो रहना, और पिंग अपना कम से कम 80 रहना। अपने पास ये पिंग नहीं है, अपने पास डिवाइस भी सीधा नहीं, अच्छा नहीं है। समझो, अपन कितने भी ड्रिल्स प्रैक्टिस करो, हेड पे मारो, कुछ भी करो, अपना काम नहीं बनता। सामने वाला अपने को ठोक के चल जाता सीधा। क्लोज रेंज की खास बात क्या बोले तो चोक नहीं होना बिल्कुल भी। अपन अगर मिड रेंज में, अगर लॉन्ग रेंज में फाइट ले रहे, समझो गलती से अपन नॉक भी हो गए तो अपनी टीम के पट्टे आके अपने को रिवे करके उठा देते। लेकिन क्लोज में अपन चोक हो गए, नॉक हो गए, समझो उसको मालूम अपने टीम मेट आते बोल के, तो उन्हें क्या करता, इसका तो पूरा खा लेना बोल के ख़त्म खा लेता। तो अपन बिल्कुल भी चोक नहीं होना। अपन क्लोज में फाइट लेते वक्त मिनिमम लेवल 2 का सामान, माल बोलो सामान बोलो, एक ही बात है, वो रहना कम से कम अपने पास। अगर नहीं भी है, अगर फाइट लेने की ऐसा सिचुएशन आ गई तो अपन पहले क्या बोलते, पैनिक नहीं होना। अपन कहीं को बोलते पेट दिखा के तो भाग नहीं सकते, अरे मेरे पास नहीं है कुछ भी बोल के। तो पहली बात क्या बोलते, अपन पैनिक नहीं होना बिल्कुल भी। अपन क्लोज में फाइट लेते फायर करते ना, पहले अपन उसके सिर को मारने, मतलब हेड को मारने को देखना। अगर पहले अपन कौन हेड को कनेक्ट करे तो उन्हें 70% जीतने का चांस उसका से रहता, ऐसा कहीं को बोल रहा बोले तो। एक छोटा सा मॉन्टेज है, मैं डाल रहा हूँ, वो देख लो आप। अब अपन हेड कनेक्ट करने के वास्ते अपना क्रॉस हेड प्लेसमेंट बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपन कैसा बोलते हो थोड़ी नहीं, क्या करते हैं उनके हेड लेवल से कम रख लेके पूरा देख के सराउंडिंग्स, फिर एनिमी देखे बाद ऊपर उठा के मारेंगे बोल के समझते हैं। लेकिन अगर अपने को एनिमी की लोकेशन मालूम है तो एक बात रहती, अब एक आधा घास में सोया समझो वो अलग बात, एक आधा अपने को एनिमी की लोकेशन मालूम है समझो, उन्हें कहाँ से पिक दिया था, अपन उस तरफ अपना क्रॉस हेड रखना, उन्हें जैसा जैसा अगर आगे आने की कोशिश करता समझो, प्रीफेयर करते हुए जाना, अगर प्रीफेयर करते हुए जाना ऐसा लग जाते। अगर अपने को एनिमी की लोकेशन नहीं मालूम, आप जा रहे हो अपन ओपन में घास में सोए सो रहे समझो, अपन थोड़ा नीचे कर लेना स्क्रीन को, नीचे कर ले तो क्या बोलते अपने को शाम बन से दिखते, नहीं तो अपन ऐसी ऊपर देखे समझो उन्हें नीचे सोए से वाला अपने को आके उड़ा देता। अपने को दबा के प्रैक्टिस होना बोले तो क्लोज रेंज की, अपने पास तो रूम कार्ड तो रहते हैं, क्लाइंट के भी रहते हैं, हर कोई तो रॉयल पास के उसमें भी आते ना। अपन क्या करना बोलते हो, 1v1 या 1v2 ऐसा प्रैक्टिस करना, वो छुप छुप के नहीं खेलना, उसमें ओपन में आना, ब्लाइंड फेयर देना, सामने वाले को अपनी लोकेशन मालूम होना, जब एनिमी अपने ऊपर आता अपन कैसा उसको फेस करना, वो अपने को प्रैक्टिस होता। और क्या बोले तो 2 गन्ना नहीं उठाना, लेवल 3 का माल बिल्कुल भी नहीं उठाना, और बीच में M249 रहती है, WM रहती उसको भी यूज़ नहीं करना, और मेन क्या होता स्लाइड ऑफ कर लेना। अब बहुत जन स्लाइड ऑन कर लेते, वो M24 को चलता भाई, वो अपन टाइम पास को खेलते इसलिए M24 को चलता। लेकिन अपन क्लासिक में तो ऐसा स्लाइड मार के नहीं खेल सकते ना, तो अपन क्या करना बोले तो स्लाइड ऑफ कर लेके खेलना। अपन ओपन में आए तो अब ये देखो कैसा बोले तो 10 दान भी आए मर गए समझो, 11th टाइम अपने को मालूम होता, अरे अपन ये गलती कर रहे ये नहीं करना आगे से लेके। मेरे रीजन में मैं मैक्सिमम 1-4 में #1 था, बाकी में #2 #3 था। किसी कारणवश 1 हफ्ता 10 दिन नहीं खेला मैं, नहीं खेले तो भी मेरे सब चले गए, #1 के भी नीचे आ गया, सब नीचे आ गया। लेकिन अभी भी #, मेरा कोई क्या बोलते क्लोज इनकाउंटर्स अभी भी #1 पे है, मेरे को 2nd नंबर को 300 किल्स से भी ज़्यादा का फ़र्क है। नेक्स्ट वीडियो में ड्रिल्स और क्या बोलते हैं अपना सेंसिटिविटी जो है मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब बात करते हैं रॉयल पास के बारे में, रॉयल पास कैसा जीत सकते बोले तो 2 तरीके है देखो रॉयल पास जीतने के लिए। एक क्या कि हर रॉयल पास को मैं जब नया आता 16 एरेंगिल मैच रखूँ, 16 एरेंगिल जीते से वाले को रॉयल पास। और दूसरा तरीका है जीतने के लिए,
मेरी चार्ट में अभी मैं जब लाइव रहता हूँ आप चेक कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के पॉइंट्स लिखे तो कि इसको कितने पॉइंट्स है बोल के मालूम होता है, बोलते कौन कितनी देर मेरी चार्ट में रहता है, कौन कितना मतलब कमेंट सेक्शन में ये करता है, उसको वैसा पॉइंट्स आगे बढ़ते बोले वैसा वैसा एवरी मंथ, एक मंथ में किसको हाइएस्ट रहता उसको रॉयल पास।